माशाल्लाह देख रहे होंगे कितना खूबसूरत सा मंज़र है। अभी अभी मगरिब का नमाज़ ख़त्म हुआ है गाइस। ये दारुल तौहीद होटल है गाइस, ये सामने क्लॉक टावर, जमजम टावर भी बोलते हैं इसको, ये गेट नंबर 79। हेलो गाइस, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शमशेर अली शेख। तो गाइस फ़िलहाल मैं हरम शरीफ में हूँ, मस्जिद हरम मक्का में हूँ। अभी अभी जो है मगरिब का नमाज़ ख़त्म हुआ है गाइस, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ हरम के अंदर। तवाफ़ वगैरह करेंगे गाइस खाली आज, उसके अलावा मक्का का जो आजू बाजू का एरिया है, मक्का का मार्केट कैसा है मक्का के सामने, वो सारा आप लोग को दिखाऊंगा। और सामने जबले नूर बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ खाना भी खाएंगे, अलबेक वगैरह, वो लोग आप लोग को वो सारा भी कुछ दिखाऊँगा गाइस। तो मेरे वीडियो में बने रहिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। चलिए चलते हैं हरम शरीफ के अंदर, देखते हैं। आज पब्लिक बहुत है, देख रहे होंगे बहुत जहमा लग रहा है, क्योंकि अभी उमरा चल रहा है। उमरा से सारे मुल्क से, सारे कंट्री से, सारे वर्ल्ड से पूरे उमरा के लोग आ रहे हैं उमरा करने के लिए, इसलिए बहुत जाम है, जहमा है। तो चलिए चलेंगे अंदर, अभी हरम शरीफ के अंदर तवाफ़ वगैरह करेंगे, फिर थोड़ा देर के बाद ईसा को गई, थोड़ा ही टाइम बच गया, एक घंटा बचा हुआ ईसा को, 8 बजे अजान हो जाते हैं ईसा के यहाँ पर। तो चलिए चलेंगे हरम शरीफ के अंदर, गेट नंबर 79 से हम लोग एंटर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखे होंगे एक जो बुज़ुर्ग है, चाचा है, एक बुज़ुर्ग चाचा है वहाँ पर, गावा और खजूर वगैरह हदिया दे रहे, सर्व कर रहे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग भी 2-3 पीस खजूर और गावा ले लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर। गाइस देख रहे होंगे माशाल्लाह, यहाँ पर इस तरह हर जगह पर आप लोग को खिदमत करते हुए लोग मिल जाएंगे। कोई चाय पिला रहा है, कोई खजूर खिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है माशाल्लाह। तो गाइज 2-3 पीस खजूर मैं भी खा लिया हूँ फिलहाल। ये देख रहे होंगे अरबी गावा है, ऐसा लग रहा होगा हलीब चाय है, दूध वाला चाय है, मगर नहीं, ये अरबी गावा है गाइज। चलिए थोड़ा सा चाय पीते हैं, फिर गेट नंबर 79 के अंदर से गाइज चलेंगे हरम शरीफ के अंदर। अभी जो है उमरा का सीजन चल रहा है, देख रहे होंगे बहुत सारे पब्लिक है, पूरा जहमा है उमरा के लिए। हर तरफ से इंडिया से भी बहुत पब्लिक आ रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से। देख रहे होंगे कितना जाम, ऐसा लग रहा है नॉर्मल दिन में इतना जाम नहीं होता है, क्योंकि पिछले आप लोगों को पता होगा 2 साल जो था कोरोना के लिए बंद था, तो इसलिए अभी जो है लोग उमरा करने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 2 साल से सारा कुछ बंद था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ खुल चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी जानना चाहते हैं, यहाँ पर हर चीज़ जो है नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल पहले के जैसा, जैसे कोरोना के पहले से हर चीज़ फ्री था, नॉर्मल था। अभी हरम में हर चीज़ ऐसा ही हो चुका है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ गाइस नॉर्मल है, अभी ओपन है, कोई भी आ सकता है, आराम से उमरा कर सकता है, तवाफ़ कर सकता है, ज़ियारत कर सकता है गाइस, यहाँ पर इबादत वगैरह कर सकता है। तो हर चीज़ की जो पाबंदी थी वो सारी पाबंदी उठ चुकी है गाइस फिलहाल। तो गाइस ये जो सामने है गेट नंबर 79 है गाइस, इधर से अभी बंद कर दिए रास्ता जाने के लिए, जो उमरा कर रहा है उन लोग को ही छोड़ा है उमरा वालों को। तो चलिए हम लोग दूसरे गेट नंबर 74 से अभी जाएंगे इंशाल्लाह अंदर, वो साइड से सिर्फ गाइस जो उमरा कर रहे, जो अहराम पहने हुए हैं उन लोग को ही छोड़ रहा है गेट नंबर 79 से, क्योंकि अभी ऐसा का टाइम बाकी, फिर भी 1 घंटा बाकी है, फिर अभी इसे बंद कर दिया गाइस। गाइस जमजम लगा हुआ है, देख रहे होंगे अंदर, थोड़ा सा जमजम पी लेते पहले। सारा जमजम का ठंडा गरम नॉट कोल्ड सा रखा हुआ है। लूंगा मक्का से मीना की जानिब, मैं
मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा होगी, क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खता को आज तू माफ कर दे, गमों की धूप है मेरे सर पे, अपनी रहमतों की चादर में मुझे। तो गाइस यहाँ पर जो है बयान चल रहा है, कोई शेख जो है यहाँ पर बयान कर रहे अरबी में, देख रहे होंगे लोग बैठ के सुन रहे सारा बयान जो है अरबी में चल रहा है गाइस। तो गाइस देख रहे होंगे लोग जो है बिल्कुल रमज़ान के जैसा सहमा है, रमज़ान के ऐसा रस है पूरा पब्लिक, ऐसा लग रहा है कि रमज़ान का सीज़न चल रहा है, या बहुत सारा पब्लिक देख रहे होंगे। सारा कुछ रास्ता हर तरफ जो है पुलिस वाले बंद कर दिया, अभी ईसा का टाइम भी नहीं हुआ है क्योंकि अंदर इतना फुल हो चुका है पब्लिक, इसलिए जो है रास्ता वगैरह सब तरफ बंद कर दिए। फिलहाल मैं फर्स्ट फ्लोर में आ चुका हूँ, मुझे नीचे जाना था तो उधर जो है रास्ता बंद कर दिए पुलिस वाले, तो अभी देखते हैं किधर से रास्ता मिलेगा, तो इंशाल्लाह नीचे जाएंगे, वरना ऊपर ही तवाफ़ करना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पर लोग ऐसे भी तवाफ़ कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में सब तरफ तवाफ़ होता है गाइस। तो चलिए देखते हैं कहीं से कहीं रास्ता मिलेगा तो नीचे जाएंगे, वरना ऊपर से ही तवाफ़ करना पड़ेगा। तो गाइस देख रहे होंगे फिलहाल मैं सेकंड फ्लोर में हूँ, नीचे जो छोड़ नहीं रहे, नीचे देख रहे होंगे कुछ उधर भी सारा जो है उमरा वालों को तवाफ़ करने वाले को अटका के रखे हुए हैं, पता नहीं कुछ कोई VIP गेस्ट आए या कुछ पता नहीं, इसलिए पुलिस वाले जो है अंदर नहीं छोड़ रहे। मैं गाइस फिलहाल सेकंड फ्लोर में हूँ, ऊपर से ही गाइस आप लोग को काबतुल्ले का व्यू वगैरह दे रहा हूँ। ईसा का अजान हो रहा है गाइस, अजान हो चुका है, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, नमाज के बाद मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ईसा का नमाज जो है ख़त्म हो चुका है हरम के अंदर। अब जो है गाइस नमाज जो है मेरे फेवरेट इमाम जो है अब्दुलरहमान सुदेश ने पढ़ाया ईसा का नमाज, माशाल्लाह बहुत ही लुत्फ़ आया, मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में ईसा का। अब्दुलरहमान सुदेश साहब ने जो है नमाज़ पढ़ाया आज के ईसा का। चलिए चलेंगे गाइस बाहर, अभी निकलेंगे हरम शरीफ के बाहर निकलेंगे गाइस, थोड़ा सा आप लोग को आउटसाइड के एरिया का मार्केट वगैरह का थोड़ा सा व्यू वगैरह दूंगा गाइस। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। तो गाइस चलिए चलेंगे बाहर निकलेंगे अभी और लोग को थोड़ा सा मस्जिद हरम के इतराफ का आजू बाजू का एरिया मार्केट वगैरह जो उसका थोड़ा सा आप लोग को ज़ियारत कराता हूँ, विजिट कराता हूँ कैसे दुकानें वगैरह लगे हुए हैं। आज जो है गाइस जो है पब्लिक बहुत था, रस था हमारे यहाँ, इसलिए आप लोग को नीचे से कुछ दिखा नहीं पाया इंशाल्लाह। तो चलिए बाहर निकलेंगे, अभी फिलहाल ऊपर हूँ मैं, नीचे उतरते हैं बाहर निकलते हैं गाइस, बाहर मार्केट वगैरह का दुकानें वगैरह आप लोग को दिखाता हूँ हरम के साइड में जो आजू बाजू खाने पीने का दुकान जो छोटे मोटे चीज़ों का दुकान वगैरह लगा हुआ है वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ इंशाल्लाह गाइस। चलिए चलेंगे बाहर, मिलते हैं हरम शरीफ के। तो गाइस बाहर जाते जाते जमजम पी के निकलते हैं बाहर गाइस, तो थोड़ा सा जमजम पी। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। جب چلوں گا مکہ سے
मीना की जानिब मैं मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा होगी। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा ए मेरे अल्लाह। तो गाइस फाइनली मैं जो हूँ बाहर निकल चुका हूँ मस्जिद से, अंदर से देख रहे होंगे पीछे कितने सारे लोग हैं, इतना जहम है, पब्लिक फुल है गाइस पूरा। निकलने में 10-15 मिनट लग जाता है बाहर निकलने में, तो चलिए चलेंगे थोड़ा मार्केट में, आप लोग को आजू बाजू का एरिया दिखाता हूँ। तो गाइस ये सामने गेट नंबर 79 है, गेट नंबर 79 के बिल्कुल सामने गाइस देख रहे होंगे यहाँ पर ये अल्नादी फार्मेसी भी है, दारुल तौहीद जो होटल है उसके बिल्कुल नीचे में। इसी कंपनी में गाइस मैं जो है जॉब करता हूँ, अल्नादी फार्मेसी देख रहे होंगे ये बिल्कुल गाइस गेट नंबर 79 के सामने में मिल जाएगा आप लोग को गाइस। तो गाइस चलिए फिलहाल हम लोग चलेंगे सामने जो है जबले उमर करके एक बिल्डिंग है बड़ा सा, बिल्कुल हरम के सामने ही गेट नंबर 79 के, दारुल तौहीद जो होटल है उसके पीछे में जबले उमर करके एक बिल्डिंग बना हुआ है। तो गाइस उसके अंदर जो है सर बहुत सारे दुकानें वगैरह है खाने पीने के और कपड़े वगैरह के, अबाया वगैरह के बहुत सारे दुकानें वगैरह भी हैं गाइस, तो वहाँ पर खाने पीने का आइटम भी है। चलिए उसी के अंदर आप लोग को लेके चलता हूँ जबले उमर के अंदर बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ के जो दुकानें वगैरह उसके विजिट कराता हूँ, और वहाँ से भूख भी बहुत तेज़ लग रहा है तो वहाँ से कुछ लेंगे खाएंगे गाइस। तो गाइस ये जो सामने है गाइस ये है जबले उमर, एक्चुअली ये होटल है ऊपर में और नीचे जो है पूरा सुपरमार्केट टाइप का है, सारे दुकानें वगैरह है छोटे छोटे। देख रहे होंगे गाइस सामने अलबेक का भी ब्रांडिंग लगा हुआ है, ये दारुल तौहीद और ये सामने जबले उमर। तो चलिए इसके अंदर चलेंगे, आप लोगों को लेके चलता हूँ इसके अंदर, और इसके ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर सारा विजिट कराता हूँ और कुछ खाना वाना लेंगे इसके अंदर से ही। तो गाइस आके पहुँच चुका हूँ मैं जबले उमर के अंदर, इसका एक ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। यहाँ पर गाइस सामने एक, जैसे ही आप एंट्री करेंगे जबले उमर के गेट के अंदर, यहाँ पर गाइस देख रहे होंगे यहाँ पर वी एक्सेप्ट योर ज़कात डोनेशन एनरोलमेंट वगैरह सारा, आप लोग का ज़कात वगैरह यहाँ पर जो है दे सकते, जमा कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से दूसरे दूसरे कंट्री में उन लोग जो है गाइस भेजते, जो भी गरीब कंट्री है, मिस्कीन कंट्री है। यहाँ सामने अलराजी बैंक है, ग्राउंड फ्लोर का आपको विजिट दे रहा हूँ फिलहाल तो, और यहाँ पर एटीएम वगैरह भी है, जो भी उमरा करने हज करने आए यहाँ पर एटीएम वगैरह भी है इसके अंदर। ये सामने जबले उमर बिल्डिंग का नाम, उसके नीचे सारा कुछ मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पर अबाया वगैरह के देख रहे होंगे, जानेमाज अबाया, छोटा सा एक कारपेट मैन करके दुकान है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर अबाया वगैरह, अगर जानेमाज वगैरह चाहिए तो इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा। ये गाइस सऊदी अरब का बहुत ही फेमस परफ्यूम इतर का दुकान है, अरबियन ऊद, बहुत ही नामी ब्रांड है गाइस यहाँ पर। यहाँ गाइस देख रहे होंगे कपड़े वगैरह मिल रहे हैं लेडीज़ के, बच्चों के स्पेशली। ये सामने गाइस बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत देख रहे होंगे गाइस मसल्ला वगैरह नमाज के लिए, बहुत ही कलरफुल मसल्ला वगैरह है देख रहे होंगे गाइस। तो चलिए अभी ऊपर चलेंगे, ये एक डेट्स का खजूर वगैरह का भी दुकान है, शिफा डेट्स, बेटर क्वालिटी का डेट्स वगैरह खजूर वगैरह चाहिए तो इसके अंदर भी है गाइस। और गाइस सेम ग्राउंड फ्लोर में जो है गाइस एक सुपरमार्केट, बिंदाव सुपरमार्केट भी गाइस जबले उमर के अंदर, जो जबले उमर बिल्डिंग है उसके नीचे ये देख रहे होंगे बिंदाव सुपरमार्केट भी है गाइस। किसी को कुछ भी लेना है तो यहाँ से आके इजीली बाय कर सकता है, कोई भी उमरा में आए हज में आए सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा गाइस। तो फिलहाल चलिए हम लोग चलेंगे ऊपर। तो गाइस नीचे का तो टूर वगैरह दे दिया आपको ग्राउंड फ्लोर का, अभी हम लोग चलेंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाद सेकंड फ्लोर में, जो फूड कोर्ट वगैरह है गाइस बेसिकली थर्ड फ्लोर में है। चलिए हम लोग चलेंगे फिलहाल। ये गाइस सेकंड फ्लोर वगैरह है ये पूरा, यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांडेड दुकानें, घड़ियों के दुकानें, इतर परफ्यूम के दुकानें, ज़्यादातर आप लोग को गाइस तस्बीह मुसल्ला इतर खजूर ऐसे दुकानें मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी हज उमरा वगैरह को आता है
यही सारा बेसिकली चीज़ जो है परचेस वगैरह करके अपने कंट्री में लेके जाते हैं लोग, तो उसके लिए अक्सर आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पर भी उद एलाइट करके एक ब्रांड है, बहुत बेहतरीन ब्रांड है, देख रहे होंगे उद एलाइट करके परफ्यूम का। अरे सामने भी देख रहे होंगे यहाँ पर मुसल्ला, तस्बीह वगैरह, अतर, कुरान, सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ बाहर भी गाइस देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तस्बीह वगैरह मिल रहा है गाइस, यहाँ पर देख रहे होंगे लकड़ी के तस्बीह है और प्लास्टिक के, रेडियम के, सारा कुछ तस्बीह वगैरह यहाँ पर है गाइस। तो चलिए गाइस लेके आप लोग को चलता हूँ सीधा थर्ड फ्लोर में जहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह है, वहाँ पर कुछ लेंगे खाएंगे, क्योंकि पूरा अगर मैं मार्केट कवर करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो गाइज आप लोग को पार्ट पार्ट में नेक्स्ट बार जब भी आपको पार्ट पार्ट में जो है पूरे मक्का का, पूरा हरम का आजू बाजू का एरिया, सिटी वगैरह एक्सप्लोर करूँगा, पूरा एरिया जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दूसरे दूसरे वीडियोज़ में, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है दिखाना, क्योंकि गाइज वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा एक घंटे का। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा फूड कोर्ट में थर्ड फ्लोर में। चलिए मैं आके थर्ड फ्लोर में पहुंच चुका हूँ, ये पूरा फूड कोर्ट का एरिया है। ये फ्लोर में गाइस पूरा जो है अलग अलग ब्रांड के खाने पीने के चीज़ें ही मिलते हैं गाइस, आप लोग देखे होंगे। तो दिखाता हूँ सऊदी के जो फेमस ब्रांड वगैरह है, जैसे रिदान हो गया, तज्जाज हो गया, सोरमा, अलबेक, पिज़्ज़ा हट और KFC, पूरा ब्रांड इसके ऊपर से गाइस आप लोग को मिल जाएगा थर्ड फ्लोर में। ओनली फॉर फूड कोर्ट का एरिया है, ओनली फॉर खाने पीने के शोरूम से गाइस, तो आप लोग को बैक कैमरे से पूरा दिखाता हूँ गाइस, और चलेंगे जो कुछ खाने के लिए भी लेंगे। तो गाइस ये थर्ड फ्लोर के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड में देख लें, जैसे आप लोग एंट्री करेंगे ऊपर आएंगे लेफ्ट साइड में तज्जाज है गाइस, अल तज्जाज, उसके बिल्कुल साइड में रिदान, ये गाइस बहुत ही फेमस शोरूम है रिदान मंदी के लिए, जो स्पेशली जो सऊदी का मंदी आइटम बनता है मंदी के लिए बहुत ही फेमस है रिदान गाइस, बहुत ही महंगा होता है खाना, कॉस्टली होता है मगर टेस्टी होता है गाइस। इसके सामने पिज़्ज़ा का शॉप है, उसके बाद यहाँ पर शोरमा मार्ट, शोरमा स्पेशल गाइस, शोरमा और जूस वगैरह मिल जाएगा गाइस, चिकन शोरमा। देख रहे होंगे लोग बैठ के खाना वाना खा रहे सब लोग फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ पर गाइस जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड है सारे ब्रांड आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके ऊपर आप लोग देख लेंगे। ये सामने देखिए हार्डीज का भी है, बर्गर वगैरह, आइसक्रीम, हार्डीज के बिल्कुल बाजू में गाइस KFC। इधर गाइस डू नॉट सेंड कॉफी वगैरह है। यहाँ पर गाइस बेसिकली पूरे बड़े बड़े ब्रांड जो है, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, वो सारे इसके अंदर आप लोग को देखने के मिल जाएंगे। ये फ्लोर में गाइस जो है खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है गाइस, ब्रोस्ट का, चिकन ब्रोस्ट का, बर्गर का, तो ऐसे भी भूख बहुत तेज़ लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी गाइस देख रहे होंगे ब्रोस्ट अल अरबी है। तो फिलहाल मैं जो गाइस बेसिकली मेरा कुछ जो पसंद है अलबेक, आप लोग को पता ही होगा अलबेक में तो बहुत जहमा है, रस है, देखते हैं लाइन लगाते हैं अलबेक में। ये सामने अलबेक है, अलबेक से कुछ खाने के लिए लेते हैं। यहाँ पर गाइस नगेट्स वगैरह मिलता है चिकन का, यहाँ पर जो है बोनलेस आइटम ही मिलता है चिकन वाला। तो चलिए यहाँ पर से लाइन में, पहले तो क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अलबेक जहाँ भी है सऊदी में बहुत जहमा, देख रहे होंगे कितना लाइन लगा हुआ है, कितना लाइन लगा के खड़े हुए हैं पब्लिक। तो चलिए हम लोग भी लाइन पे खड़े हो जाते हैं। जो गाइस अलबेक का लाइन कितना लंबा लगा हुआ देख रहे होंगे, अराउंड एक घंटा लगेगा मेरे को लग रहा है लेने के लिए। चलिए फटाफट लेते हैं, तब तक अपना क्यू आने तक वेट करते हैं। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. तो गाइस फाइनली 40 मिनट के बाद मेरा नंबर आ गया, 40 मिनट के बाद अब मेरा टर्न आया, और वेट करने के बाद मेरा जो है ऑर्डर मिल गया मेरे को। तो चलो देखते हैं अभी कहीं एक कुर्सी देखते हैं, कोने पे बैठेंगे। फिलहाल तो गाइस टेबल जो है कहीं भी खाली नहीं दिख रहा है, देखते हैं अभी किधर बैठना है अपने को। पूरा फुल है आज, बहुत जहमा है, भूख बहुत तेज़ लग रहा है गाइस। गाइस फाइनली जो है टेबल तो मिला नहीं, मैंने दो चेयर लगा के जुगाड़ बना लिया है बैठने के लिए, टाइम भी लेट हो रहा है, 9:30 हो चुका है। चलिए खाते हैं पहले, टेबल तो मिलने वाला नहीं है। तो गाइस मैंने आज जो है चिकन नगेट्स ऑर्डर किया है, लिया है,
देख रहे होंगे मेरे साथ में, ये इसके साथ में दो पीस ब्रेड है, ये अलबेक का बन, दो पीस बन है, इसके साथ में एक गार्लिक सॉस है गाइस, इसको तोम बोलते हैं अरबी में, गार्लिक सॉस, एक गाइस केचप है, और साथ में गाइस जो है टिशू वगैरह दिया हुआ है। चलिए मैं ओपन करता हूँ गाइस जो मेन आइटम है आज का फूड, ये देख रहे होंगे गाइस, ये चिकन नगेट्स है, इसके अंदर फ्रेंच फ्राई वगैरह है गाइस, ये चिकन नगेट्स है गाइस, इस तोड़ के दिखाता हूँ गाइस, देख रहे होंगे इतना यम्मी और जूसी है गाइस। चलिए खाते हैं गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं, गार्लिक सॉस में डिप किया, थोड़ा सा केचप लगाता हूँ गाइस, फिर निवाला बनाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी यम्मी लग रहा है, और भूख भी बहुत लग रहा है गाइस, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फटाफट पहले खाना कंप्लीट करता हूँ गाइस। अलबेक जो है सऊदी अरब में हर जगह आप लोग को मिल जाएगा गाइस, हर जगह इसके ब्रांचेस है, बहुत ही टेस्टी और रीजनेबल रेट में है, जो भी गाइस उमरा करने हज करने और एक बार ट्राई ज़रूर करो गाइस, और कमेंट करके बताना। चलिए गाइस फटाफट मैं जो है खाना कंप्लीट कर लेता हूँ, खाने के बाद मिलता हूँ, लेट हो चुका है और भूख भी बहुत तेज लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए फटाफट कंप्लीट करता हूँ मेरा खाना, फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो चुका है, अभी टाइम जो है 10 बजने वाला है, तो चलिए ऐसा ही आज का ब्लॉग गाइस यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल में नहीं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुआ में याद रखना।